अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगी। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन का जो है फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखा, उसके बाद लिखा टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इसलिए आपको जो है सिखाती हूँ ताकि आप लोग को ईजिली इसकी समझ आ जाए। जिन स्टूडेंट को नहीं आती वो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखूँगी डी ओवर डी क्यू, ठीक है, ब्रैकेट लूँगी 70 क्यू माइनस 0.7 क्यू का स्केयर। जब यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 70 माइनस 1.4 क्यू। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगी टेकिंग सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पे आपको देखते हैं कोई इशू नहीं है। डी यू का स्केयर ओवर डी क्यू का स्केयर इक्वल है डी ओवर डी क्यू। ठीक है जी, इस वाली वैल्यू का जो मैं डेरिवेटिव लूँगी, ठीक है, 70 माइनस 1.4 क्यू। तो जब इसको मैंने डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास वैल्यू आएगी माइनस 1.4, ठीक है जी, जो लेस देन है ज़ीरो से। अब यहाँ पर मैं लिखूँगी डी यू ओवर डी क्यू इक्वल है ज़ीरो, ये इसकी शराइत है जो अब हमने पूरी करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी सिंपली ये वाली वैल्यू, यहाँ लिखूँगी 70 माइनस 1.4 क्यू इक्वल है ज़ीरो, माइनस 1.4 क्यू इक्वल है माइनस 70, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दूँगी 70 ओवर 1.4, तो क्यू की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 50। ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट आया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, वैल्यू को पुट करूँगी सिंपली, यहाँ मैं लिखूँगी यू इक्वल है 70 क्यू माइनस 0.7 क्यू का स्केयर इक्वल है 50 माइनस 0.750 का स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आई 3500 माइनस 1750, तो इसका आंसर आएगा 1750। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बान।